फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जबशंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंट्रल लखनऊ की तरफ से नई भर्ती निकल के आया है। उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो आप पूरा देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक देखते जाइए, समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है और ये हमारा जॉबशंकर ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो फ्रेंड्स। जॉबशंकर का यहाँ पे दे दिया गया लेटर जो हमें दे दिया गया, ये आप देख रहे हैं 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर 12वें स्टर्नो रिक्रूटमेंट 2022। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा। ये आप देख रहे हैं आपके सामने डिटेल्स खुल गया। 11 मार्च 2022 को अपडेट किया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, जॉबशंकर ऑफिशियल वेबसाइट में। पोस्ट टाइम देख रहे हो 12वें स्टर्नो का रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर डिफेंस से भर्ती निकल के आया है। 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर लखनऊ की तरफ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। 12वें स्टर्नो का भर्ती रहने वाला है। इंपोर्टेंट डेट्स देख रहे फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टार्ट 12 मार्च 2022 से इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट रहने वाला 8 अप्रैल 2022। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉयमेंट इस पेपर पब्लिश हो चुका है जो कि 11 से 18 मार्च 2022 का एम्प्लॉयमेंट इस पेपर आउट हो चुका है। मैं आपको एम्प्लॉयमेंट इस पेपर दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इस पेपर रहने वाला है। ये आप देख रहे हैं 12 से 18 मार्च 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला है। इसमें आप पेज नंबर 12 पे आ जाना फ्रेंड्स। यहाँ पे दे दिया गया, ये आप देख रहे हो पेज नंबर 12 से 18 मार्च 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला है। यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लीजिए, सारा डिटेल दे दिया गया है। ठीक है, अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्मिंग करना होगा। एप्लीकेशन फी नहीं ले इसमें नहीं लगेगा। एज लिमिट देख रहे हैं, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। एज रिलेक्शन आपको छूट मिलेगा। पे स्केल देख रहे हो फॉरेस्टर्नो के लिए ग्रेड 2। अब देख रहे हो फॉरेस्टर्नो ग्रेड 2 का देख रहे हो, लेवल 4 में आता है और बार्बर का लेवल 1 में आता है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट इसमें 2 पोस्ट ही रहने वाला है। एस्टोनो में जनरल में 1 पोस्ट देगा, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। बार्बर में देख रहे हो जनरल में 1 पोस्ट देगा, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख रहे हो फ्रेंड्स, नेम ऑफ पोस्ट एस्टोनो ग्रेड 2 में देख रहे हो 1 पोस्ट दिया गया है। 12 पास चाहिए। स्किल टेस्ट डिक्टेशन होगा 10 मिनट और ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हो 50 मिनट इंग्लिश और 5 मिनट आप देख रहे हो हिंदी में। कंप्यूटर में टेस्ट होगा। ठीक है, बार्बर देखे 1 ही पोस्ट देगा, इसमें 10 पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप देख रहे हो एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेसाइल, डिस्चार्ज बुक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा। ₹25 का लगा के 2 2। ठीक है, 25 50 का पुल 2 लगा के भेजना पड़ेगा। 2 आपको एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ एड्रेस करके भेजना पड़ेगा और इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू, आप देख रहे हो, टू द कमांडर्स 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर क्रांति लाइन्स, आप देख रहे हो कैंट लखनऊ UP 22600 2 पे आपको भेज देना। ठीक है, रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टॉप में लिखना है, इन कैटेगरी आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, लोकेशन आप टेस्ट देख रहे हैं 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर लखनऊ में होगा टेस्ट। इंपोर्टेंस लिंक्स देख रहे हो फ्रंट डेटा पब्लिक 11 मार्च 2022 को पब्लिश किया गया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉबशंकर ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, यहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसका ऑफलाइन फॉर्म भी आ चुका है, यहां से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूं, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं ऐसे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सीखने ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं ऐसे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, का लास्ट डेट रहने वाला 8 अप्रैल 2022। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का नोटिफिकेशन की ओर आपको लेके चलता है। ये आप देख रहे हो इसका नोटिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 2 पेज का नोटिफिकेशन रहने वाला है। सारा डिटेल यहाँ पे दे दी गया, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है फ्रेंड्स, फॉर्म हमारे पास आ चुका है। ये भी 2 पेज का फॉर्म है, कैसे फिलअप करते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखते जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं डेमो, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फ्रेंड मैं बार्बर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बार्बर के लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप एस्टोनो के लिए भी अप्लाई कर सकते। एम्प्लॉयमेंट पेपर देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पेपर आ चुका है जो कि डेट आप देख रहे हैं 11 मार्च 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर आ चुका है। यहाँ पे 11 मार्च 2022 लिख सकते हो आप। ठीक है, और एक फोटो आपको लगा देना, उसके ऊपर सेल्फ एड्रेस, आपका नाम और जिस डेट को अप्लाई कर रहे हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आपको एक नंबर देख रहे हो, फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा इन हिंदी, पहले आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा उसके बाद इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा फादर्स नेम, आप लिख दीजिए या हस्बैंड नेम लिख सकते हो। मैं फादर्स नेम लिख दिया हूँ। मदर्स नेम आपको लिखना पड़ेगा, मैं अपना लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हूँ। स्कूल सर्टिफिकेट हिसाब मैट्रिक सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा, जो लिखा होगा वही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज निकाल लेना है, मैं आपको बताया हूँ 8 अप्रैल 2022 तक आपको एज निकला। मेरा हो रहा है 20 साल 11 महीना 27 दिन, मैं अपना लिख दिया हूँ। पास नंबर कैटेगरी लिखना पड़ रहा है, मैं जनरल से अप्लाई करूँ तो जनरल लिख दिया हूँ। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से अप्लाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, 6 नंबर देख रहे हो नेशनलिटी, मैं इंडियन हूँ लिख दिया हूँ। रिलीजन हिंदू हूँ लिख दिया हूँ। 7 नंबर आप देख रहे हो, मैं अपना एड्रेस लिख दिया हूँ, पोस्ट ऑफिस लिख दिया हूँ, तहसील मेरा जो है लिख दिया हूँ, पुलिस स्टेशन लिख दिया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, स्टेट लिख दिया, पिन कोड लिख दिया और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मेरा सेम ही रहने वाला, तो मैं डुप्लीकेट छोड़ दिया हूँ। अगर आपके पास अलग है तो आप लिख सकते हो। ठीक,
ठीक है, ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, मैं अपना ईमेल आईडी दे दिया, 8 नंबर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा एकेडमी का, मैं 10 पास हूँ लिख दिया, 2018 पास किया, सी बी एस ई बोर्ड है मेरा, परसेंटेज 90% आया और डिवीजन फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे लिख दिया, रिमार्क से लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। तो फ्रेंड दूसरा पेज में आ जाना आप, सेकेंड पेज में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लिख देना, नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दी गया, सिग्नेचर का कैंडिडेट आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फुल नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं इनको 3 आपको सेल्फ अटेस्ट से फोटोग्राफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक तो आपको लगा देना है फॉर्म में, 2 आपको एक्स्ट्रा सेल्फ अटेस्ट से करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अटेस्टेड कॉपी आपको देना पड़ेगा, अटेस्टेड आप कितना कॉपी लगा रहे हैं, जेरोक्स कॉपी यहाँ पे आपको सीट लिख दीजिए कि मैं 6 कॉपी लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया, आप अपने हिसाब से काउंट करके लिख दीजिए, ठीक है। और मेल कैंडिडेट है उनके लिए लेफ्ट थंब यहाँ पे लगा देना है, और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए राइट थंब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, और नाम आप देख रहे हो फुल नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म फिलअप हो गया, मैं आपको बता दिया हूँ, उसके बाद मैं आपको एनवेलप बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो फ्रंट एनवेलप रहने वाला, एप्लीकेशन बहुत पोस्ट है, आपको बार बार लिख देना, इन कैटेगरी आपको लिख देना, स्पीड पोस्ट के थ्रू मैं भेज रहा हूँ, लिख दिया हूँ, टू द कमांडेंट्स 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट सेंटर क्रांति लाइन्स कैंट लखनऊ UP 226002 पे आपको भेज देना है, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको फॉर्म एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। और ये बैक एनवेलप मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 आपको फिलअप करना है, ऐसा वाला 2 आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर, सेम लिख देना, 2 आपका नाम, फादर्स एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ लिख दीजिएगा, 25-25 का 2 लगाना पड़ेगा, आप देख रहे हो दोनों में 25-25 का लगा दिया हूँ, दोनों फिलअप करके भेजना पड़ेगा एक ही साथ, फॉर्म के साथ आपको भेजना पड़ेगा दोनों एनवेलप। और ये हमारा थंबनेल है ना फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सारा डिटेल मैं बता ही चुका हूँ, और ये हमारा military.com न्यू वेबसाइट, इस पर विजिट करते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा अभी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आशा करता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो का लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, ऐसे ही नई भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूँगा। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।